अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक ब्लॉग बनने जा रहा है। तो ब्लॉग क्या चीज़ का बन रहा है? तो आज है मेरे बहन लोगों के बच्चे की जुम्मा की, है ना। हाँ। तो जैसे कि उन लोगों की शादी होके टाइम हो गया था, मगर मैं उन लोगों की जुम्मा की नहीं कर पाई क्योंकि रमज़ान आ गया। रमज़ान के बाद में फिर मैं थोड़ा अभी बाहर चली गई थी घूमने के लिए, थोड़ा आराम करी है ना। तो फिर मैं बोली चलो अभी बच्चे लोगों की जुम्मा की मैं कर देती हूँ। तो जैसे कि मड्डो की और रिहान की और राज की और ईरम की, दोनों की जुम्मा की आज मैं कर दे रही हूँ एक ही साथ में। और माशाल्लाह पूरे मेरे घर वाले जितने हैं मैंने सब लोगों को बुलाई हूँ। कम से कम 40 लोगों को मैं बुलाई हूँ, 40 से भी ज़्यादा है मेरे घर वाले, मतलब 40 लोग आने वाले है ना। जैसे कि मेरे पप्पा पप्पी, मेरी बहन लोग, मेरी बहन के बच्चे और मेरी बहन का आदमी, फिर मेरी दूसरी बहन मुस्कान की अम्मी है ना, और मुस्कान के शौहर और मेरी जो मुस्कान के भाई भाभी, ये सब लोग आने वाले। मेरे पप्पा पप्पी और सना समीर कौन है, जो हम लोग ब्लॉग बनाते हैं उन लोगों के साथ में, ज्यादा हमारे वीडियो में रहते हैं, बॉक्सिंग सलून के ओनर। तो लोग सब आने वाले माशाल्लाह, और मैं बहुत खुश हूँ। अब जैसे कि ना एक लड़की को बहुत खुशी होती है जैसे कि उनके मायके वाले सब जमा होते हैं, तो बराबर है ना आसिफ। हाँ। और सही बोले तो मैं उनके पास में बहुत कम आती जाती हूँ, और उन लोग भी मेरे घर पे बहुत ही कम आते जाते। कुछ रिया तो ही आते हैं और कुछ रिया तो ही मैं जाती हूँ। बराबर। और मेरे भाई भाभी भी आने वाले, मेरे दोनों भाई, मेरी भाभी है ना, उन लोगों को तो आपने वीडियो में देखे, अंजुम, नवाज, बबलू और रजा। तो मेरे पास में ये 2 दिन से है ना, 2 दिन से वो मेरे पास में, उसको फुप्पू के पास रहने के लिए बहुत अच्छा लगता है रजा को। हाँ। यहाँ पे रहने के लिए। और हमारी ऊपर जो है हमारे भाउज फातिमा और अमीर और इतना इतना सलाम करो। सलाम अलैकुम। आज फुप्पू के घर पे दावत है ना, बोल फुप्पू के घर पे दावत है। फुप्पू के घर पे दावत है। हाँ, अभी मैं भी तैयार होके आऊंगी। तो तैयार हो जाएगी ना, मैं यही कपड़ा पहनूंगी। यही पहनेगी तू? क्यों चेंज नहीं करेगी? ये कौन दिया था, कौन दिलाया था ये? पप्पू। कौन सी पप्पू? कौन पप्पू? मैं दिलाई थी। कौन सी पप्पू दिलाई थी? मैं दिलाई थी। अच्छी हूँ मैं, उधर देख के बोलना मैं अच्छी हूँ क्या? प्यार करती हूँ मैं। हाँ, बोलती नहीं, ऐसे नहीं बोल, अच्छे से बोल, जोर से बोल। हाँ, मेरे पप्पू प्यार करते। बोल ऐसा। चलो अभी आपको थोड़ी थोड़ी देर में सारी डिटेल बताती रहूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। माशाल्लाह पूरा किचन सब साफ कर ली हूँ मैंने। ये देखिए भार बन रहा है हमारे, ये पूरा मैं भारी खाना खिलाने वाली हूँ। क्योंकि ज्यादा लोग है ना, 40 से 45 लोग है, तो घर में खिलाना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे बाहर छोटा सा मैदान है, तो उधर हम लोग अरेंज कर रहे हैं। अरेंज कर रहे हैं जैसे कि वहाँ पे तंबू बांध देंगे थोड़ा सा, और कुर्सी टेबल सब खाली टेबल लगा देंगे, लाइट लगा देंगे। खाने में भी मैंने अच्छा बोली हूँ, जैसे कि मैंने बोली हूँ ये जम्बो रेम्बो बिरयानी, रेम्बो बिरयानी बोली हूँ। 2 किस्म का मैंने स्टार्टर बोली हूँ, उसी के साथ में पानी भी बोल दी हूँ, और साथ ही में चटनी रहेगी और सलाद रहेगा, कुचुम्बर रहेगा और आइसक्रीम रहेगी है ना। और मैं अपनी तरफ से आम मंगाने वाली हूँ, वो आम भी मैं रख दूंगी है ना। बराबर। तो चलिए, और मैंने सबके लिए कपड़े भी ले ली हूँ, जो दूल्हा दुल्हन है उन लोगों के लिए कपड़े, और लड़के को मैंने कपड़े नहीं लिए, लड़के के हाथ में रुमाल रख दूंगी और लिफाफा रख दूंगी। चलो आप बता देती। तो ये देखिए इधर सब ऐसा तंबू बन रहा है बाहर, इधर ऐसा ये टेबल कुर्सी आ चुकी है, इधर ऐसा ये पूरा टेंट बनेगा, और इधर सब बैठ के खाना खाएंगे। वो होएगा ना ऊपर, होएगा ना, दो है ना पर्दा, उसको ऊपर कर देंगे ना लोग ऐसा करके। अब ये सब गाड़ी वाड़ी सब बाहर हो जाएगी। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। कैसा लग रहा है मेरा ड्रेसिंग? माशाल्लाह। मैंने प्लाजो बनाई हूँ और ऊपर मैंने ये टॉप बनाई हूँ, ये वेलवेट का है और इसका दुपट्टे का ही सारा लुक है पूरा है ना। और अपने आप से खुद से मेकअप की हूँ, और बाल भी मैंने खुद ही बनाई है ना। तो अभी बस मैं तैयारी करने जा रही हूँ, 8 बजे अभी तक कोई आया नहीं है, तो मैं अभी तैयारी करने जा रही हूँ, सब निकाल के उन लोगों के कपड़े वगैरह सब जो रहे हैं वो रख दूंगी है ना। और सबसे पहले मेहमान हमारे घर में आ चुके हैं, जैसे कि मेरा भाई और मेरी भाभी। अंजू
तो दो दिन से इधर ही है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि दो दिन से, अभी भी उसको यहाँ पे ही रहने का है, मगर मैं दो दिन रहने का है मुझे, मगर अब्बा रहने नहीं देंगे मेरे, है ना, ऐसा बोल रहा है। चलो रुकता है नहीं रुकने का है। चलिए अभी यहाँ पर मैं सब तैयारी कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने ली हूँ जोरा, यहाँ पे मैंने ली हूँ ये, इसमें से ये मटो को दे दूंगी और ये इरम को दे दूंगी, बराबर है ना। हाँ। और यहाँ पे दूल्हे के हाथ में मैं रुमाल और एक लिफाफा रखूंगी, यहाँ पे भी एक रुमाल एक लिफाफा और मिठाई का डब्बा पाउडर दे दूंगी, पाउडर दे दो यहाँ पे, पाउडर लगाना पड़ता है रसम करने के टाइम, अच्छा गर्दन में। तो चलिए गाइस अभी मेरे घर में सारे मेहमान आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी, तो यहाँ पर मेरे फूफा फूफी आ चुके थे और मेरी बहन में भाईजान और राज और इरम भी आ चुके थे, और मेरी जो शबाना आपा है वो शबाना भी आ चुकी थी और उनकी बेटी भी आ चुकी थी, है ना। हाँ। कुछ लोग नहीं आए थे और यहाँ पर मैं सब लोगों को पानी दे रही थी, ठंडा दे रही थी, और रिफत की सास, रिफत बोले तो रिफत मड्डो, मड्डो और रिहान जिसकी शादी का आप लोगों ने वीडियो देखे, उन लोग भी आ चुके थे, उनकी सास, उनकी मासी मासा, उनकी फैमिली भी काफ़ी आ चुकी थी, माशाल्लाह अच्छा लग रहा था सबके साथ, सबके साथ। तो चलिए अभी बच्चे लोगों को मैंने बिठा दी रसम करने के लिए, सबसे पहले मैं रियान की और रिफत की रसम कर दूंगी, है ना। हाँ। उसके बाद में फिर मैं राज भाई और इरम भाभी, हाँ, राज की और इरम भाई की, इरम भाभी की रसम करूंगी, बच्चे लोग उसको भाभी बोलते हैं, तो मेरे भी मुझसे भाभी निकल गया। तो चले भाई बहुत अच्छा लगा, मैंने इन लोगों के लिए जो कपड़े ली थी, दूल्हे के लिए मैंने सिर्फ लिफाफा रखी लड़के को और ये रखी है रुमाल रखी, अभी हाँ अभी इन लोगों को जब तक का शादी को एक साल नहीं होता है जब तक का इन लोगों को दूल्हा दुल्हन नहीं बोला जाता है हम लोगों में, क्योंकि नया जोड़ा है ना तो उन लोगों को दूल्हा दुल्हन नहीं बोलते, हम लोग में क्या करते हैं सबसे पहले उन लोगों का मुंह मीठा करते हैं, फिर थोड़ा सा चंदन लगाते हैं, मगर चंदन नहीं था तो मैंने थोड़ा गले में दोनों के पाउडर लगा दी, दुल्हन के सर में हम गजरा लगा देते हैं, फिर कुछ पैसे उन लोगों को कपड़े रख देते हैं और दूल्हे को भी लिफाफा और रुमाल रख देते हैं। शादी के साल गिरा है मेरे को भी नहीं मालूम, मेरे को आया हाँ लाता हूँ लाता, अशरफ का बेचता हूँ ना, मेरे अभी फोन आया बोले आज मेरे फूफा की भी शादी की सालगिरह है, मुबारकबाद दो। ये तो ये अलग ही हो गया, अलग है मालूम ही नहीं कि 12 बजे को रखेंगे।
बेटा बोला है मेरे तो चलिए यहाँ पे अभी खाने का टेबल लग चुका था और हमारे जो शकील भाई है जो बिस्मिल्ला कैकर्स वाले उन्होंने खाना भी लेके आ चुके थे। माशाल्लाह उनका दो स्टार्टर था बहुत ही टेस्टी था। और ये देखिए ये स्टार्टर का नाम क्या था सिर्फ? ये जो ग्रेवी वाला स्टार्टर है जो अभी दिखाए गए उसका नाम था चिकन अमृतसरी। हाँ चिकन अमृतसरी और इसका था बंजारा कबाब। बंजारा कबाब उसके साथ में मस्त एक चटनी दिए थे, सलाद दिए थे और रैम्बो बिरयानी भी बनाए थे। हाँ, है ना माशाल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे सारे रियान के घर वाले बैठ गए खाना खाने के लिए। मैं सबको अपने हाथ से सर्व कर रही थी, साथ में मेरी जो अंजुम है मेरे नवाज की औरत मेरे भाई की औरत वो मुझे हेल्प कर रही थी और जो हमारे ऊपर माले पे जो रहते हैं हमारे भारूद जो फातिमा वो भी मुझे हेल्प कर रही थी जैसे कि खाना वगैरह देने में, है ना सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और सब लोगों को खाना खिलाने में, क्योंकि मैंने यहाँ पर सोची क्या अभी 40 लोग थे तो 40 लोगों के लिए क्यों वेटर रखे, है ना। तो हम लोग ये सब खाना सबको मैं सर्व कर दे रही थी और अच्छी तरह से। ये है हमारे पापे भाई की औरत, इनका आसमा भाभी। आसमा भाभी भी आए थे, आसमा भी आई थी, मैं भाभी नहीं है मेरी आसमा है वो। और उसके साथ में मतलब मेरी भाभी लगती है। हाँ। मतलब मैं उसको आसमा बोलती हूँ, मेरे से छोटी है ना वो। उनके भाई आए थे गांव से मिलने के लिए, है ना। तो उन्होंने भी मेरे साथ में फ़ोटो उतारे, फिर मेरा भाई भी बैठा था पापे। उसके बाद में फिर देखे यहाँ पे सब लोग माशाल्लाह अच्छी तरह से खाना खा रहे हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पर सबका खाना खा के हो चुका। उसके बाद में हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि सबको खिलाने के बाद में हम लोग आराम से बैठे। तो मेरी बहन भी रुक गई थी कि बोले साथ में मैं तुम लोग की खाना खा लूँगी, है ना सिर्फ। हाँ। तो बाकी सब खा चुके थे। और सबसे पहली बात तो आज बताओ क्या इन लोगों की जुम्मा की भी थी और मेरे जो फूफा फूफी है ना उन लोगों की शादी की सालगिरह भी थी। हाँ, है ना? समीर भाई का और समीर भाई का बर्थडे भी था। तो उसी खुशी में मैंने उन लोगों के लिए केक मंगाई थी। मैं बोली चलो मेरे फूफा फूफी की शादी की सालगिरह है तो मैं केक मंगाती हूँ। तो वहाँ पर मैंने केक मंगाई, तो वहाँ पर मैंने फूफा फूफी की शादी की सालगिरह का भी केक कटिंग कर दी। और ये जो समीर है उनका बेटा उनका भी बर्थडे उसी दिन आता है, एक दिन बाद आता है। तो चलिए उन लोगों का बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे फूफा फूफी को बहुत ही अच्छा रखे, उन लोगों की जोड़ी हमेशा ऐसी सलामत रखे। दोनों में कई सालों से प्यार इसी तरह से बरकरार है, वैसी बरकरार रहे। और बस मैं दुआ करती हूँ कि जो समीर है हमारा सना और समीर है अल्लाह ताला उनको भी रोजी रोटी में उनके बहुत सारी बरकत दें और उन लोग भी बहुत कामयाब हुए और ज़्यादा से ज़्यादा उनका स्लोन अच्छे से चले, है ना। तो चलिए गाइस कैसा लगा हम आप लोगों को मेरी फैमिली से मिलके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह की अच्छी अच्छी ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, है ना सिर्फ। तो चलिए गाइस फिर मिलती हूँ अच्छे ब्लॉग के साथ में। और यहाँ पे जब हमारी सना मौजूद नहीं थी, सना गई थी बाहर कुछ ऑर्डर पे, उसे आने नहीं मिला, तो वीडियो कॉलिंग पे हम सबको देख के सना लग गई रोने के लिए। इमोशनल हो गई कि पूरी फैमिली एक जगह जमा है और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। कर तो चलिए गाइस आज हमारे पापा मम्मी की शादी की सालगिरह थी, तो हम पूछते हैं कि शादी की सालगिरह में कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। चौथी साल क्या कहेंगे प्यार में इतना मैं ये हो गए थे कि अपने शादी की सालगिरह ही भूल गए, कभी उसी कितने साल हो गए कुछ याद ही नहीं। चौथी
साल हो गए। और हमारे समीर भाई का बर्थडे भी था, तो आप सब लोग इन लोगों को बहुत मुबारकबाद देना, और समीर को मेरी पप्पा पुप्पी को बहुत सारी दुआएं देना कि इन लोग ऐसे हमेशा अच्छे रहे और खुश रहे, और समीर मेरा भाई हमेशा तरक्की करते रहे। हवा अभी आ रही है, हवा आ रही है ना, हवा चलो बाय। तो चलिए गाइस, माशाल्लाह हमारे घर में जुम्मा की बहुत ही अच्छे से हो गई, बहुत ही अच्छे से मैंने खातिरदारी की, उन लोग भी बहुत खुश हो गए, बहुत बहुत बोले बहुत अच्छे से तुमने फंक्शन किए, खाना पीना बहुत ही अच्छा रखे थे आप लोगों ने। सही सच्ची बोलूं, शकील ने क्या नाम है उसका, बिस्मिल्ला कैटरस मगर हम उसको शकील भाई बोलते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टार्टर बनाए थे और बहुत ही अच्छा खाना बनाए थे। और एक गाइस, एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोग जो बिस्मिल्ला कैटरस है जिनका मैंने वीडियो डाली हो, तो वो आप लोग उनसे मतलब अगर बड़ा बड़ा ऑर्डर देना है तो ही उनको कॉन्टेक्ट कीजिए। जैसे कि आपको शादी का ऑर्डर देना है या 50 या 100 आदमी का अगर आपको ऑर्डर देना है तो ये आप उनसे कॉन्टेक्ट करके ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आप वह अभी रहते हैं जैसे कि मुमरा में या बॉम्बे में, बम्बई में नाकुदा मोहल्ला या कोई और फलानी जगह लंबे पे रहते हैं, विकोली छोड़ के आप अगर लंबे में रहते हैं तो आप उनको खाने का ऑर्डर मत दीजिए। वो 1 किलो 2 किलो बनाकर नहीं लेके आएंगे वहाँ पे, मतलब बोलते हैं कि 1 किलो खाने का ऑर्डर है हमको इधर पे लाके दे दो, तो वो नहीं देंगे। उनको फायदा क्या होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा, है ना सिर्फ। तो अशरफ तो इसके लिए ना, अगर आप बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं शादी का या कोई आप बड़े फंक्शन का, तो उनको ऑर्डर दीजिए, वो आके बनाएंगे। समझ में आई आप लोगों के बात। तो चलिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, है ना। तो चलिए गाइस, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज, बहुत खुशी भी सब लोगों से मिलके, और सब लोगों ने अच्छे से खाना पीना खाए और बस बस इंजॉय किए। तो चलिए आप लोग भी दुआ में याद रखना, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी, फिर मिलती हुई अच्छे से ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।